गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सही समय की प्रतीक्षा करना एक मूर्खता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलने पर ध्यान दें। ज्यादा सोचना आपको बर्बाद कर देता है, स्थिति को खराब कर देता है, चीजों को घुमा देता है, आपको चिंता में डाल देता है और हर चीज को उसकी असलियत से कहीं ज्यादा बदतर बना देता है।